अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शराफत चीमा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल रहमान गार्डन फेस 7 लाहौर की साइट के ऊपर। इस वक्त हम उसके बी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको इसका आज साइट टूर करवाऊंगा। यहाँ पे किस किस ब्लॉक में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने घर बन चुके हैं, अली और हैदर ब्लॉक की क्या पोजीशन है, अदर ब्लॉक जिनकी जो बैलेटिंग हो चुकी है उनकी क्या पोजीशन है, और प्लस यहाँ पे सेक्टर 42 की जो नई डील चल रही है उसकी क्या सूरत हाल है, उसके क्या रेट्स हैं, और डेवलप एरिया में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से किस रेट पे अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। आइए मेरे साथ इसका लेटेस्ट साइट विजिट करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आइए तो नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम मेन शरकपुर रोड पे। अल रहमान गार्डन फेज 7 का साइट विजिट होगा। ये आप शरकपुर रोड के मनाजर देख रहे हैं, दोनों तरफ से मुकम्मल ये दो तरफा रोड है जो कि मुकम्मल तौर पर नया बनाया गया है। ये सोसाइटी की मेन मेगा एंट्रेंस है। इसका खूबसूरत गेट, इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, और फ्रंट के ऊपर भी कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, और मिड में इसका ग्रीन बेल्ट आपको मिल जाता। तो आइए इनसाइड चलते हैं और सारी तफसीलात जानते हैं, इसका विजिट करते हैं। ये ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं आप सिक्योरिटी की असम्बली हो रही है। प्रॉपर यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम है। अभी आ जाते हैं इसके हम मेन बुलेवार्ड के ऊपर। 150 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है। इसके दोनों तरफ में कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सर्विस रोड है और पार्किंग आपको मिलती है। राइट साइड पे सोसाइटी का ए ब्लॉक है, और ये भी राइट साइड पे व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है ये सोसाइटी का हेड ऑफिस है जो कि मुकम्मल तौर पे इस वक्त ऑपरेशनल हो चुका है। लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है। सबसे पहले हम बी ब्लॉक का विजिट करते हैं, आप पार्क देखते हैं। बी ब्लॉक में तकरीबन 3 से 4 से 5 पार्क्स बनाए गए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर डेवलप कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसके मनाजर। तो रोड्स जो है ना वो इसकी मुकम्मल तौर पर कारपेट कर दी गई हैं, ब्लैक टॉप हो चुकी हैं। अंडरग्राउंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इसके साथ आपको पावर बैकअप भी मिलेगा। फुल टाइम सिक्योरिटी यहाँ पे आपको इंशाल्लाह हर टाइम 24 घंटे आपको मिलेगी। और आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे रोड्स कारपेटेड हैं और घरों की जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का अमल भी शुरू हो चुका है, और ना सिर्फ घर बनना शुरू हो चुके हैं बल्कि बहुत सारी रिहायशें भी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये आप देख सकते हैं तमाम तरफ में, और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो चुकी हैं। मस्जिद भी अपने तकमील के आखिरी मरहल में पहुँच चुकी है। ये बड़ा पार्क आप देख सकते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर डेवलप है। इसमें प्लांटेशन कर दी गई है, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह और बैठने के लिए बेंच और सीट्स वगैरह भी लगा दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारे बी ब्लॉक के मनाजर हैं। घर बन भी रहे हैं और बहुत सारे घरों में रिहायशें भी आ चुकी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रहमान डेवलपर्स पर ट्रस्ट है। ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हाथों हाथ बिक जाता है और लोगों को इनके ऊपर यकीन है, तो इसलिए लोग यहाँ पर फौरी प्लॉट खरीद के अपना घर बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो अभी ये जो डेवलप एरिया, अभी मैं आपको ए ब्लॉक की तरफ भी लेके जाऊंगा। ये अल रहमान गार्डन के फेज 7 को तकरीबन 3 साल से कम अरसा हुआ है, तकरीबन 2 से 2.5 साल इसको 3 साल से कम अरसा हुआ है। तो 3 साल से कम अरसा के अंदर इतनी डेवलपमेंट और इतनी रिहायशें जाना वो ये एक मानी रखती हैं, क्योंकि अमूमन सोसाइटीज़ को सालों साल गुजर जाते हैं लेकिन इतनी डेवलपमेंट और इतनी रिहायशें यहाँ पर नहीं आती। और आप देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर, ये भी हम बी ब्लॉक में आ चुके हैं, इसके आप नज़र देख रहे हैं, आने वाले इंशाल्लाह 1 साल के अंदर यहाँ पे आपको बेशुमार रिहायशें और भी मिलेंगी। और ए ब्लॉक के जो रोड्स रहते थे उनको भी आज ब्लैक टॉप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मशीनरी काम कर रही है और ब्लैक टॉप तमाम रोड्स को कर रहे हैं, और बी ब्लॉक मुकम्मल तौर पे ब्लैक टॉप किया जा रहा है। यहाँ पे ए और बी ब्लॉक में जो प्लॉट्स आपको मिलेंगे वो कैश के ऊपर मिलेंगे। 5 मरला 8 मरला 10 मरला कैटेगरी के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, और जो एवरेज रेट यहाँ पे चल रहा है वो तकरीबन 6 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक मरले का रेट है, ऑन ग्राउंड है। और मुकम्मल तौर पे डेवलप प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं 35 से 40 लाख रुपए के ब्रैकेट में, 5 मरले का आपको प्लॉट मिल जाता है। तो इस वक्त ये बड़ा ज़बरदस्त सुनहरी मौका है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम कीमत के अंदर डेवलप एरिया में आपको प्लॉट मिल रहे हैं और रोड्स भी मुकम्मल तौर पर डेवलप है, तमाम तरह फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, फौरी रिहायश भी की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। अभी हम नाज़रीन आ चुके हैं हैदर ब्लॉक के अंदर। हैदर ब्लॉक 3 साल के इंस्टॉलमेंट पर कंपनी ने सेल किया था। ये उसकी मेन बुलेवार्ड है जो तकरीबन 50% मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं आपको इसके जो जैली रोड्स हैं, गलियां हैं, उसकी तरफ भी लेके चलता हूं। ये आप देख सकते हैं कि हैदर ब्लॉक में जो है ना वो ये सामने बोर हो रहा है, घरों की तामीर का काम जो है ना वो हैदर ब्लॉक में भी शुरू हो चुका है। अभी इसके रोड्स ब्लैक टॉप नहीं हुए, ये पार्क है हैदर ब्लॉक में, बहुत बड़ा एक पार्क बनाया जा रहा है। तो अभी इसके रोड्स ब्लैक टॉप नहीं हुए, इसमें अभी लाइट्स की डीपीज भी लगनी है, सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया। सामने भी एक घर नजर आ रहा है जिसका लेंटर डल रहा है, तो लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। ये आप इससे ट्रस्ट लेवल जो है ना आप देख सकते हैं कि अल रहमान डेवलपर पे लोगों का कितना ट्रस्ट है, किस तरह की जगह पे भी उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। उनको यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो अपने टाइम के साथ पूरी की जाएंगी। हैदर ब्लॉक के अंदर 5 मरले का प्लॉट 33 लाख रुपए का था, 8.5 लाख से इसकी बुकिंग थी, ये मुकम्मल तौर पर सेल हो चुका है। यहाँ पे रीसेल में
अच्छी लोकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है, 5 मरला में हो, 10 मरला में। तो अगर यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं तो मुनासिब से प्रॉफिट के साथ आपको ये मिल जाती है। 5 मरला में तकरीबन आपको 12-13 लाख रुपये डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी पेमेंट आप 2 साल की आसान एक साथ में अदा करेंगे और टोटल प्लॉट आपको 33 लाख रुपये का कॉस्ट करेगा। और यहाँ पर अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेंगे तो वो तकरीबन आपको 62 लाख रुपये का कॉस्ट करेगा, उसकी तकरीबन कोई 18 लाख रुपए के करीब पेमेंट जा चुके हैं, वो आप करेंगे तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो 5 मरला और 10 मरला की अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि मुनासिब से प्रॉफिट पे आपको मिल जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये हैदर ब्लॉक के ये भी मनाजर हैं। इससे आगे था अली ब्लॉक जिसमें 3.5 मरला के प्लॉट थे। अभी मैं आपको यहाँ से घुमा के जो हैदर ब्लॉक का अगला एरिया है वहाँ से हम अली ब्लॉक की जाना भी जाएंगे। 3.5 मरला का जो एरिया था उस पर भी तकरीबन कोई 50-60% काम हो चुका है। ये इसकी एक मेन बुलेवार्ड है, इसके राइट साइड के ऊपर जो एरिया है वो सारा अली ब्लॉक का एरिया है। तो अभी मेन बुलेवार्ड ये बन रही है, राइट साइड पे अली ब्लॉक का, अली ब्लॉक में भी डेवलपमेंट का काम चला, तकरीबन कोई 50-60% उसका काम हो चुका है। और कुछ रोड जो है ना वो उन्होंने कम्पैक्ट कर दी गई हैं, उस पर सीवरेज का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम राइट साइड पर जाएंगे अली ब्लॉक की जानब ना, जो कि 3.5 मरले का पोर्शन है। ये अली ब्लॉक की तकरीबन आखिरी पट्टियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि कच्चे जो है ना वो रोड्स बना दिए गए हैं, सीवरेज चल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी 3.5 मरले के प्लॉट से जो कि 24 लाख रुपए उनकी कुल कीमत थी और 6,20,000 से बुकिंग थी, तो ये भी ऑलमोस्ट सेल हो चुका है। इसमें भी कोई रीसेल में आपको अगर आप लेना चाहें तो कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर। ये सारा एरिया जो है ना वो अली ब्लॉक है। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे नूरे वाले रोड के ऊपर और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे थोड़ा सा आगे करके तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे उस साइड पे कंपनी ने सी और डी ब्लॉक जिसकी बैलेटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी उसकी अर्थ ब्रेकिंग करके उसके डेवलपमेंट के काम को आगाज़ किया है। तो अभी मैं आपको उस साइड पे भी लेके जाऊँगा। ये अली ब्लॉक का वो दो रोड्स हैं जो कि मेन नूरे वाले रोड से कनेक्ट होती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके जो एंट्रेंस है वो आपको दोनों तरफ से मिलेगी, फेज 7 के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जो आपका है बुर्ज अटारी स्टॉप वहाँ से अगर आप नूरे वाले रोड पर राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ से भी आप फेज 7 को एक्सेस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस है तो ये सी और डी ब्लॉक है जो कि रोड के अपोजिट साइड पे राइट साइड पे है, इस पर भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। तो अगर आपको फेज 7 में किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो हमारे पास सेक्टर 42 के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है 5 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो पेमेंट प्लान स्क्रीन पर अटैच है। इसके अलावा ऑन ग्राउंड अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर हैदर और अली ब्लॉक में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि ऑन ग्राउंड है 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।